बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हम डिस्कस कर रहे हैं किरचॉफ रूल हम डिस्कस कर रहे थे, और हमने फर्स्ट रूल देखा किरचॉफ का, और हमने देखा कि ये व्हाट इज़ द किरचॉफ फर्स्ट रूल, दैट इज़ द सम ऑफ ऑल द करंट फ्लोइंग टूवर्ड्स अ पॉइंट इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द करंट फ्लोइंग अवे फ्रॉम द पॉइंट। हमने ये देखा कि जितनी भी करंट्स एक पॉइंट की तरफ आती हैं और उससे अवे जाती हैं, उन सबका सम जो है वो ज़ीरो है, सिग्मा आई इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो। किरचॉफ फर्स्ट रूल इज़ आल्सो नोन एज किरचॉफ पॉइंट रूल, इसको किरचॉफ पॉइंट रूल भी कहा जाता है, एंड इट इज़ अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट वी हैव डिस्कस्ड, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर MCQs आल्सो। ये सारा हमने डिस्कस किया था लास्ट टाइम अबाउट किरचॉफ फर्स्ट रूल। टुडे वी विल डिस्कस द किरचॉफ सेकंड रूल, दिस इज़ आवर टॉपिक। किरचॉफ सेकंड रूल इज़ अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और ये क्या है, इट इज़ द अलजेब्रिक सम ऑफ द वोल्टेज चेंजेस इन अ सर्किट और अ लूप मस्ट बी इक्वल टू ज़ीरो। द स्टेटमेंट इट स्टेट दैट the algebraic sum of voltage changes in a closed circuit or loop must be equal to zero. Student, you should underline this one line. ये जो first two lines हैं इसको underline करें, these are very important, कि जितनी भी voltage changes आ रही हैं एक closed circuit में, closed loop में, उन सब का algebraic sum जो है वो zero है। देखें यहाँ पे वोल्टेज, ये सर्किट है, हमने कहा कि अगर एक बैटरी यूज़ कर रहे हैं, एक दो रेजिस्टेंस यूज़ कर रहे हैं, तो उसको हम इजीली ओम्स लॉ के अकॉर्डिंगली उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर देर विल बी नंबर ऑफ बैटरीज लाइक दिस, देर आर टू बैटरीज इन दिस सर्किट एंड टू रेजिस्टेंसेस, सो इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क एंड वी विल सॉल्व इट अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स रूल। किरचॉफ फर्स्ट रूल हमने देखा किस तरह से है, अब किरचॉफ सेकंड रूल हम देख रहे हैं कि इट इज़ द वोल्टेज रूल, और ये जितनी भी वोल्टेज इस सर्किट में आ रही हैं, लग रही हैं, उन सारों का सम जो है वो ज़ीरो होना चाहिए। ठीक है, वोल्टेज चेंजेस यहाँ पे बैटरी में के अक्रॉस, यहाँ पे रेजिस्टेंस के अक्रॉस, ये इवन एक हमारे पास बैटरी है E2 दूसरी है, और ये R1 और R2 दो रेजिस्टेंसेस, इन सारों के क्रॉस जितने भी वोल्टेज चेंजेस आ रही हैं, इन सब का अलजेब्रिक सम जो है वो ज़ीरो होना चाहिए। ठीक है, इसको हम अब डिस्कस करते हैं कि ये क्या होना चाहिए, कैसे, इसके रूल्स क्या हैं। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट रूल्स, स्टूडेंट यू मस्ट लर्न दैम, दीज आर इम्पॉर्टेंट टू एग्ज़ाम आल्सो, and the definition of Kirchhoff's first and second rules is very important। ये definition आपको आ सकती है दोनों rules की, short questions की form में आ सकती है आपको। ठीक है, ये definition बहुत important है दोनों rules की। अब देखें कि हमने ये closed circuit देखा, तो अब current की direction सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें current की direction जो है वो क्या होनी चाहिए। सबसे पहले करंट की डायरेक्शन हमने चूज़ करनी है, तो इसके लिए या तो क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो हम एक डायरेक्शन रख लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज, और ये एक तरह से हम जब ग्रेटर EMF देखते हैं, जिस बैटरी की ग्रेटर EMF है, और उसके अकॉर्डिंगली भी हम इसकी डायरेक्शन जो लेते हैं, ठीक है, करंट की। तो अब हम देखते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल E1 जो है हैविंग द ग्रेटर EMF, तो हम इसकी एंटी क्लॉक वाइज जो है इसकी डायरेक्शन लेंगे। ठीक है, अब इसकी काउंटर क्लॉक वाइज या एंटी क्लॉक वाइज हमने डायरेक्शन चूज़ कर ली। हमने कहा कि एक सेल जो है उसकी EMF ग्रेटर है, फॉर एग्ज़ाम्पल E1 की ग्रेटर है E2 की निस्बत, और इसकी डायरेक्शन जो है इस तरह से करंट फ्लो हो रही है एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में या काउंटर क्लॉक वाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है। ये तो हमने उसकी डायरेक्शन चूज़ कर ली।
अब हमने देखा कि जो स्टेडी करंट जो इस्टेब्लिश होती है वो कॉन्टिन्यूस फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज को हम लेते हैं ड्यू टू कन्वेंशन, ठीक है। जो सर्किट में स्टेडी करंट फ्लो होती है ये कन्वेंशनल करंट हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस जो है ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, V इज इक्वल्स टू W ओवर Q, ठीक है। ये भी हम पढ़ चुके हैं कि पोटेंशियल चेंजेस जितनी आ रही हैं वो वर्क ओवर चार्ज के इक्वल होती है, ये हमने लास्ट चैप्टर में डिस्कस किया है इन डिटेल, ठीक है। तो यही दो कॉन्सेप्ट जो हैं इसको लेके तो हम सॉल्व करेंगे सर्किट को। अब देखें इसको रीड भी कर लेते हैं। वी नो दैट द स्टेडी करंट इज इक्विवेलेंट टू कॉन्टिन्यूस फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस थ्रू द सर्किट। वी आल्सो नो दैट अ वोल्टेज चेंज और पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू द वर्क डन इन ऑन ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज और एनर्जी गेन्ड और लॉस्ट बाय इट इन मूविंग फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर, ठीक है। वोल्टेज चेंज जो आ रही है या पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो किसके इक्वल है, वर्क डन ऑन ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज या एनर्जी गेन और लॉस्ट जितनी होती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाते हुए, ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव। ये इसके डिस्कस करते हैं हम कि ये गेन होती है लॉस होती है, इसके रूल्स क्या हैं गेन और लॉस के। तो ये एनर्जी जो है या पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो वर्क डन ओवर चार्ज के इक्वल होता है, ठीक है। तो व्हेन पॉजिटिव चार्ज अगर हम लें, ठीक है, और चार्ज व्हेन अ पॉजिटिव चार्ज डेल्टा क्यू ड्यू टू करंट आई इन ए क्लोज सर्किट पासिस थ्रू द सेल ई वन जो सेल है, यहाँ से फॉर एग्जांपल हम पॉजिटिव चार्ज ले रहे हैं, ठीक, ये फ्लो कर रहा है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल। तो नेगेटिव से पॉजिटिव जो है लो से हाई की तरफ जा रहा है तो क्या होगा, एनर्जी गेन करेगा, वर्क जो है इसके ऊपर काम जो है इसके ऊपर करना पड़ेगा, तो ये एनर्जी गेन करेगा। और कितनी एनर्जी गेन करेगा, एनर्जी जो है वो ई वन डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो गेन करेगा, ठीक है। और करंट जब पास होगी ई टू सेल में से तो ये एनर्जी लॉस करेगा, तो कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी लूज करेगा, ई टू डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो लूज करेगा। इसको हम डिटेल से डिस्कस करते हैं।